हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम तीन स्कूल की बात करने वाले हैं जहां से वैकेंसी जारी की गई है, और ये तीनों विद्यालय DPS हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है, पूरे भारत में ही जो है DPS हैं, ठीक है। तो यहाँ तीन DPS शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जहाँ पोस्ट का अगर हम बात करें तो PRT, TGT, PGT, इसके अलावा म्यूजिक, डांस टीचर, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और कोई भी जो है फीस आपकी नहीं लगेगी। और मेरा मानना यह है, जहाँ पर फीस नहीं लगती है वहाँ पर आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 9 पेजेस की जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे भरना है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप ध्यान से जो है देखेंगे कैसे जो है आप लोगों को वहाँ क्या लिखना है, ठीक है। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करें। कई बार स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो है फॉर्म ही फिल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से जो है वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अभी जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल की आपको पता है कि यहाँ पर सैलरी काफी अच्छी मिलती है। जिनके पास सीटेट नहीं है, स्टेट टेट नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। मैंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ओपन करके और उसे फिल करके देखा है, जहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप आवेदन करें। तो चलिए देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझिएगा। यहाँ पर जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़, यहाँ से वैकेंसी है, और जो तीन स्कूल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के ही तीन स्कूल हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को यहाँ ही दिखेगा, ऑनलाइन ही भरना है। जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी वैसे आप लोग जो है इसे फिल करते जाएंगे। प्लीज चूज द विंग अप्लाइड फॉर, कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। DPS अलीगढ़ के लिए, DPS सिविल लाइन अलीगढ़ के लिए, DPS हाथरस के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो है DPS अलीगढ़ को चूज किया, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करें, या फिर आप DPS सिविल लाइन अलीगढ़ या DPS हाथरस किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, जिन कॉलम में स्टार लगा हुआ है ऐसे कॉलम को आप फिल करेंगे ही, ठीक है। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आप नेक्स्ट पेज पर ही नहीं पहुंच सकते। जैसे इस पर स्टार लगा हुआ है, यानी कोई भी स्कूल जो है आपको चूज करना होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं। यहाँ पर ग्रेड अप्लाइड फॉर, यहाँ इसके आगे स्टार लगा हुआ है, इसे आप लोग जरूर फिल करेंगे कि आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, TGT के लिए करना चाहते हैं, PGT के लिए करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने PRT को यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर विद सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट में किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना कंपल्सरी होगा। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, जैसे कि मैं हिंदी लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान से आप लोग भरिएगा, जिनमें स्टार है उन्हें आप भरेंगे ही। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। अब ये पेज आ गया आपके पास, उसके बाद देखिए बहुत ही जो है इजी रहेगा फॉर्म आपके लिए भरना। नेम इन आपका जो है नाम, यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो है आप अपना नाम जो है वो लिख देंगे, जैसे कि कुछ भी जो है मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, ठीक है, जो भी आपकी डेट है, इसे मैं ऐसे ही भर देती हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट नीचे देखेंगे, मुझे बस आपको ये बताना है बिना अनुभव के आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसके पास 1 साल का भी नहीं है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नीचे जो है आधार नंबर आप लोगों को डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी जो है आधार नंबर लिख देती हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, क्योंकि आप लोगों के सामने यही समस्या आती है कि आप लोग फॉर्म जो है पूरा फिल ही नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से वैकेंसी निकल जाती है। टेलीफोन नंबर जहाँ पर स्टार है उसे आप फिल ही करेंगे। ईमेल एड्रेस आपको देना ही होगा, क्योंकि इसी के द्वारा आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, नेशनल इंडियन डाल देंगे आप यहाँ। मैरिज मैं आपको बस ये समझाने के लिए ये टाइप कर रही हूँ। आप जो है सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या हैं, तो आप मैरिड हैं तो मैरिड पर आपके फादर का नाम क्या है वो आप यहाँ लिख देंगे। इफ मैरिड, अगर आप जो हैं शादीशुदा हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ लिख देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पेज पर जाना है। यानी 9 पेज हैं फॉर्म भरने के। देखिए कितने आसान तरीके से जो है फॉर्म फिल हो रहा है, आपकी कोई फीस नहीं लग रही है। अभी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो पीआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे सेकेंडरी आपने जो है सेकेंडरी की है, ठीक है, 10th आप यहाँ लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। अब जब तक मैं इसको फिल नहीं करूँगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है आप लोग लिख देंगे। उसके बाद है कौन से स्कूल कॉलेज का, स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। किस साल में आपने पास किया है ये आपको लिखना है। सभी में स्टार लगा हुआ है। किस डिवीज़न से आप पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, सेकेंड से पास हुए हैं, ये आप लिखना है। परसेंटेज आपकी जो है लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है सीनियर सेकेंडरी का पूछा है, सीनियर सेकेंडरी लिख देंगे। स्कूल किस स्कूल से किया है, किस बोर्ड से किया है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, क्योंकि सभी वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है सारी चीज़ें समझाना। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में जो है आपने पास किया है ये आपको लिखना है। किस डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट से पास हुए हैं, सेकंड से या थर्ड से। परसेंटेज आपकी 12th में क्या रही है वो लिखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पीआरटी में जो है वो केवल 12th नहीं मांगा जाता है, यहाँ डीपीएस में पीआरटी में ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। आपने बीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया है, आपने बीबीए किया है, क्या किया है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे बीए लिखते हैं आप, किस स्कूल कॉलेज से किया है, वही सेम चीज़ें हैं। ये सभी कंपलसरी हैं आपको फिल करना, इनको जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो आगे का पेज ही ओपन नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो जो है वो बड़ा बनेगा, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, पीआरटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर स्टार नहीं है। इसे जो है ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, ठीक है, खाली छोड़ दिया। नीचे आएंगे कौन सा स्कूल कॉलेज, ये सारा पूरा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने बीएड, एमएड, एनटीडी भी नहीं किया है आपने, तो भी आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया केवल ग्रेजुएशन आपकी है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी जो है कंपलसरी नहीं था, जो था वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं लगाओ। यही समझाने के लिए अभी तक जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाया है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोई भी जो एनवर्ब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई स्टार नहीं लगा हुआ है। आप देख रहे हैं किसी भी कॉलम में स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, कुछ भी ना भरें, ठीक है। और जिनके पास है अनुभव तो वो तो फिल करेंगे ही, और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल खाली छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पर चलना है आपको। तो ये पूरा जो है मैंने आपको प्रोसेस जो समझाया है वो केवल इसीलिए समझाया है कि आप लोग बिना अनुभव के जो है यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है आपका फॉर्म भर जाएगा, कंफर्म कर देना है, यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर के रूप में आप जो है यहाँ फुल नेम अपना लिख देंगे, और फिर जो है दोबारा से डेट ऑफ बर्थ, प्लेस लिखा हुआ है, उसके बाद कर देना लास्ट में सबमिट। ये आपका जो है कंप्लीट फॉर्म हो गया। कोई फीस नहीं मांगी गई, कोई अनुभव नहीं मांगा गया। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है ये वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर आप पीआरटी लेवल पर भी जो अप्लाई करते हैं 32,000, 33,000 इसके अब भी जो है सैलरी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहती है, क्योंकि पूरे भारत में ही जो है डीपीएस हैं। तो ऐसी ही जो है वैकेंसी, जैसे ही अच्छी वैकेंसी आती है, अच्छे स्कूल की आती है, तो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पता लगेगी। आप लोग अप्लाई करिएगा, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि और भी वैकेंसी आती हैं जहां पर अनुभव 2-3 साल का मांगा जाता है और सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास कोई अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप अप्लाई ज़रूर करें, और मेरा मानना है आपको ज़रूर करना चाहिए अप्लाई अगर आप जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।